नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। छात्र छात्राओं ने अपनी समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। उनका कहना है कि कम अंक वालों को नियुक्ति प्रदान की गई है और जिन्हें ज्यादा अंक मिले हैं उनको प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। आज भोपाल के लोक शिक्षण संस्थान में हम खड़े हैं। यहाँ पे तमाम तरह के विद्यार्थी परेशान होकर खड़े हैं कि अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पे हमें नजर आ रही है। एक समस्या की हम बात करें तो उसका निदान हो जाए। यहाँ तो अनगिनत समस्या, कई स्टूडेंट है जो अपनी अपनी समस्या लेकर आए, कोई संस्कृत को लेकर, कोई बायोलॉजी को लेकर, इसको समझना नामुमकिन है। लेकिन जो जो इस फील्ड के अधिकारी है उन्हें तो बाहर आके इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री को भी इस मामले को लेकर संज्ञान लेकर अधिकारियों को स्वस्थ निर्देश देना चाहिए कि इस प्रकार युवाओं को परेशान ना किया जाए, उनको भविष्य खिलवाड़ ना किया जाए। उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, कोई गरीब भी है कोई अमीर भी, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने किस प्रकार लोन लेकर पढ़ाई करी और आज वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे, लोक शिक्षा संस्थान के चक्कर ला ला के वो परेशान हो रहे। तमाम खबरों में हम आपको यही कह रहे हैं, यहाँ पे तमाम भीड़ है, तो पूरी भीड़ उन लोगों की जो बेरोजगार है, इनके परिवार कैसे चलेंगे। कोरोना चल रहा है, 2 साल से बेसी रोजगार नहीं है। सरकार इन लोगों पर ध्यान दे और अधिकारियों को निर्देशित करे कि इनकी समस्या ठीक से समाधान करे। हेडलाइन 24 की संतोष जी भोपाल। जी मैं कुशाग्र शर्मा हूँ, चयनित बायोलॉजी सह विषय के विद्यार्थियों का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को चयनित चयन प्रक्रिया से ये कह के बाहर कर दिया गया कि आप लोग जो हैं एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप सह विषयों से बिलोंग करते हैं और सह विषयों से अभिप्राय है हमारा कि हम बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इत्यादि विषयों से। बायोलॉजी अपने आप में एमएससी नहीं होती है बायोलॉजी से, उनके इन्हीं विषयों से होती है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि से। हमने वो किया, हमने बीएड भी किया, लाखों रुपए खर्च करके करने के बाद पेपर में भी मेरिट में आने के बाद हमको ये कह के मान्य किया जा रहा है कि आप बायोलॉजी के नहीं है। तो हम माननीय लोक शिक्षण संचालनालय से जानना चाहते हैं तो हम हैं किस विषय के, अगर हम बायोलॉजी में नहीं आते हैं तो क्या हम मैथ्स में आते हैं, आर्ट्स में आते हैं। एक बात तो ये हो गई है। फिर दूसरी बात यह है कि पहले लिया गया है, 2005 में भी हम लोगों को लिया गया है, 2011 की चयन प्रक्रिया में भी लिया गया है, अन्य राज्यों में जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब इत्यादि में भी हमको लिया जा चुका है ना। और जो है हम लोगों को इसमें लेने के सिर्फ इस बार ही हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है, और गेस्ट फैकल्टी अतिथि के रूप में भी हम लोग पढ़ा रहे हैं कई सालों से, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र हम इनके सामने पेश कर चुके हैं, कई बार आयुक्त से मिल चुके हैं, दोनों पिछले आयुक्त से भी मिल चुके हैं, इनसे भी मिल चुके हैं। गलती सब मान रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने भी, माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे पक्ष में बोल भी रहे हैं, उन्होंने बोला भी था कि सैद्धांतिक रूप से लिया जाना चाहिए, आज तक चैनल से उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक उस विषय में भी कोई काम नहीं हुआ है। और चयन सूची जारी कर दी गई है, मेरिट को इग्नोर करते हुए अलॉटमेंट भी हो गया है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग मेरिट में, हम लोग अभी भी बाहर बैठे हैं और जिनको अलॉटमेंट दे दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है। हम लोगों को भी ले लें, प्रोविजनली सिलेक्शन दे दें कम से कम, जब तक केस है या फिर जब तक आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। हालांकि इतने दिन में तो इसरो भी 50 सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, जितने दिन में ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बायोलॉजी में कौन से विषय हैं या नहीं है, पहले लिया हुआ है तो अब तो नहीं ले पा रहे। तो यही बात है, आज आपत्ति के लिए फॉर्म भरने के लिए आए थे सभी लोग, तो आपत्ति हमने दर्ज करी है अपने सभी लोगों ने, लेकिन अभी तक कुछ उस पर हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सुनने में आया है कि कोई कमेटी है जो हम लोगों के प्रति ये डिसीजन लेगी। उम्मीद करते हैं कि सभी माननीय जो अधिकारी हैं और सभी जो लोग इसको चेयरपर्सन हैं, आयुक्त हैं, वो हम लोगों के पक्ष में फेवर लेंगे और हम लोगों की वेदना समझेंगे, क्योंकि हम सालों से परेशान हो रहे हैं। हम लोग सेलेक्टेड भी होकर भी अनसेलेक्टेड हैं, हम लोगों से कई तरह के सवाल होते हैं, हम यंगस्टर्स हैं, 2-3 साल से हम अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं घर में, कोई क्योंकि सरकारी में ज्वाइन करना है इसलिए कोई प्राइवेट में भी हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों का तो कोई नहीं है, मतलब हम 2-3 साल से बिना पैसों के बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अब स्थिति बुरी हो चुकी है, मानसिक स्थिति की, अगर अब हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बजाय जहरी खाएंगे और क्या करेंगे। सही बात यह है कि जान क्या हुई थी, रहनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास अब बचता नहीं है। सर कहाँ कहाँ से आया युवा? सारे सभी जगह से आए हैं, रीवा से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? गुना से आए हैं, शहडोल से हैं, बैतूल, ग्वालियर, मुरैना, सभी जगह से हैं। सर अभी तक किसी अधिकारी से मुलाकात हुई यहाँ पे? अभी तक किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं, हमें आज बुलाया गया था माननीय आयुक्त जो हैं, उन्होंने हमें बोला था कि 3-4 कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे, पर आज ना आयुक्त साहब है और ना कोई बुलावा है, तो बैठे हैं। अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं थी? अभी कोई सुनवाई नहीं थी।
हालांकि हम वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमसे मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी और आज हमें कोई अच्छी न्यूज़ हमें मिलेगी कि आप लोगों को भी लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग योग्य हैं, पहले से ही पढ़ा रहे हैं, CBSE स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पढ़ा ही सकते हैं। ये कैपेबिलिटी तो है सब में, और पहले कुछ लोग तो अभी अतिथि के रूप में पढ़ा रहे हैं 6-6, 5-5 सालों से, तो वो लोग भी तो पढ़ा ही रहे हैं, तो अतिथि के रूप में पढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा सकते। और इवन इन लोगों ने ये भी कहा है कि वर्ग दो में आप हैं चयनित, अगर वर्ग दो वाला प्रमोट होकर वर्ग एक में जाएगा तब तो वर्ग एक में हम पढ़ा सकते हैं, पर डायरेक्ट अगर वर्ग एक में भर्ती है तो हम पढ़ा नहीं सकते। इस तरह की विसंगतियाँ या इतनी इस तरह की लॉजिक लेस बातें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को हैरत होती है कि हम इतना दिन क्यों लग गए इतनी छोटी सी बात समझने में कि ये सब बायोलॉजी के विषय, और बायोलॉजी अपने आप में संपूर्ण विषय तभी माना जाता है जब उसमें सारे विषय पढ़े जाते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ेंगे तभी आपको बायोलॉजी में ये पता चलेगा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, आप फंगस के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एनिमल्स की और प्लांट्स में डाइवर्जन कैसे हुआ, एवोल्यूशन के बिना कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, जेनेटिक्स के बिना आप उसके आंतरिक चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा जिस साइंस को हम पढ़ रहे हैं उसका क्या प्रयोग है, उसके हम क्या एप्लीकेशन हैं। और ये सब हमारे CBSE बोर्ड का जो मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबें उनका हिस्सा है, मेजर हिस्सा जो है वो इन्हीं इसी सिलेबस से है, तो फिर हम लोगों को क्यों बाहर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, अब देश का भविष्य बनाना है। सर नाम बताइए। जी मेरा नाम कुशाग्र शर्मा है और सह विषय लोगों के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को मैं रिप्रेजेंट। मैंने 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई DPI विभाग द्वारा निकाली गई शिक्षा पात्रता परीक्षा में 146 की रैंक के साथ मैंने पास किया। विभाग के द्वारा ही सभी विद्यार्थियों को दो श्रेणी में पहले ही बांट दिया और विगत दो सालों से उनको दो श्रेणी में बांटकर उनने उन्हें एक अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी बांटने के साथ साथ प्रोविजनल सिलेक्शन और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में बांटा। अब उसके बाद जब इनके द्वारा अंतिम चयन सूची बनाई जा रही है तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में से के साथ साथ जो हटाए गए व्यक्ति हैं, रिजेक्ट किए गए व्यक्ति हैं, उनके स्थान पर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में से किसी भी व्यक्ति को नहीं लिया जा रहा, जबकि इन्हीं के द्वारा हमारे को दो भागों में बांटा गया था। हम कोई प्रोविजनल वेटिंग नहीं थे, हम मात्र एक चयनित विद्यार्थी थे। आज की स्थिति ये आ गई है कि सर हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को कम रैंक कम नंबर वाले व्यक्तियों से अदर कैटेगरी से भरकर और हमको उसमें से हटाया जा रहा है, जो कि हमारे अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है, जिसके संबंध में हम विभिन्न संज्ञान दे रहे हैं लेकिन हमारा DPI विभाग कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। सभी विद्यार्थी इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं कि कई विद्यार्थी जहर खाने तक के लिए मजबूर हैं, अपने परिवारों का लालन पालन नहीं कर पा रहे। 3 साल हो गए, सब लोग ये आस जुटाए बैठे थे, वहाँ जुड़ रहे थे कि हमें नियुक्ति मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन आज जब नियुक्ति मिलने की स्थिति आई तो हम लोगों को सुना ही नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है सिर्फ कि पहले प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में से जो व्यक्ति आएगा, चाहे उसके नंबर कम है चाहे उसकी रैंक ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन लिस्ट में उसे चुना जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये निकाला जा रहा है वेटिंग लिस्ट में जो व्यक्ति मौजूद है, चाहे उसके नंबर ज्यादा हो, अच्छी रैंक हो, लेकिन उसको मरा हुआ मान लिया गया कि जैसे कि वो कोरोना काल में मर गया है, उसको नहीं गिना जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम कहाँ जाएं, क्या हम मृत्यु की राह को तकें या कुछ और इनके पास उपाय है। अगर इनके पास उपाय नहीं है तो हम लोगों को पकड़ के मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दें, वही हमारे लिए, हमें कोई एक निराकरण का अधिकार दें, हमें मालूम पड़े कि क्या होना है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, ना रिजेक्ट वाल और ना कोई अधिकारी किसी भी प्रकार की बात करने को तैयार है, बस इधर से उधर टाला मटोली चल रही है, आप वहाँ जमा करा दीजिए, यहाँ जमा करा दीजिए, पावती ले लीजिए, आवक जावक में जमा, कोई सुनने को किसी भाव में तैयार नहीं है, बस ये कहते हैं विचार हो रहा है, विचार लास्ट 3 साल से हो क्या रहा है, विचार ही हो रहा है। आखिर विचार होगा तो आखिर नियुक्ति का अधिकार कब प्राप्त होगा, आखिर हमें किस आधार पर ये नियुक्ति देना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में मना करते हैं, हम कोई सुनवाई नहीं करते, हम विचार नहीं करते, हम कोई और तैयारी करते, कुछ और रोजगार को प्राप्त करते, कहीं मजदूरी करते, कहीं भाड़ा चलाते, कुछ भी करते, लेकिन इनने 3 साल से हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमें एक आधार प्रदान किया कि आपको नियुक्ति मिलेगी, आप नियुक्ति के कैपेबल हो, अच्छी रैंक प्राप्त करिए। सर मैं खुद अपनी कॉमर्स कैटेगरी में 2nd रैंक होल्डर हूँ, वेटिंग कैटेगरी में मेरी 146 रैंक है, लेकिन 209 रैंक वाले व्यक्ति को भी मेरी ही कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जा रहा है, जिसके 91 नंबर है, मेरे 93 नंबर हैं, लेकिन मुझे आधार नहीं दिया जा रहा, उसे नियुक्ति दी जाएगी। जो नियम बनाए गए हैं पहले तो जब सत्यापन का कार्य किया गया उस समय तो अधिकारियों को ही सही स्पष्ट नियम मालूम नहीं थे कि किस कंडीशन में होल्ड करना है, किस कंडीशन में रिजेक्ट करना है और किस कंडीशन में एक्सेप्ट करना है। कई बार ऐसा हुआ है जो छोटी से छोटी मामूली शिकायतें थी, मामूली बातें थी, उन पर भी अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा गया। इसके बाद इन्होंने खुद 8 अप्रैल 2021 को एक नियम पुस्तिका निकाली थी जिसमें 2 उपाधियों को अर्जित करने के
विषय में नियम बताया गया था कि अगर कोई अभ्यर्थी एक साथ एक ही सत्र में दो उपाधियों को अर्जित करता है तो उसका दस्तावेज सत्यापन के समय पर मान्य योग्य नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा अलग अलग समय पर भी दो उपाधियाँ अर्जित की गई हैं उसके बाद भी उन्हें मान्य नहीं किया जा रहा है, इसमें कई जगह पर कई विश्वविद्यालयों की गलतियां हैं, उनकी गलतियों के कारण जो सत्र हैं वो बहुत देरी से स्टार्ट हुए। 2011-12 का सत्र जो है उसकी पूरी प्रक्रिया 2012 से 2013 में चली, इसी तरीके से जो 2012 से 13 का सत्र था उसकी बीएड की प्रक्रिया 2013 से 14 में चली, इस तरीके से विद्यार्थियों के दो दो वर्ष बेकार होते। जो प्रक्रिया 2012 से 13 में चल रही थी उस प्रक्रिया में सत्र 2011-12 डाला गया और 11-12 में अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा एमए कंप्लीट किया गया तो उसके बाद भविष्य के बारे में अभ्यर्थी अपना सोचता है कि मैं आगे भविष्य में किस चीज़ की पढ़ाई करूं, तो 2012 में जब बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी और भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी उस समय अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया गया और उसमें उनका नाम आने के कारण उन्होंने बीएड भी किया, तो जो बीएड किया गया वो 2012 से 2013 के पीरियड में किया गया, उसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं, सबूत भी हैं, टीसी भी है और टाइम टेबल भी डाला गया है, उसके बाद भी किसी की भी बात कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, किसी को भी सुनने को वो तैयार नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आप वो ये कह रहे हैं कि आप आवेदन दे दीजिए उस पर निष्कर्ष किया जाएगा। अगर निष्कर्ष उन्हें करना ही था तो वो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि जब होल्ड पे रखा गया था उस समय भी सारे चीज़ें क्लियर करके बता दी गई थी कि ये चीज़ इस वजह से इनको होल्ड किया गया है, तब फिर उस समय उन चीज़ों पर सही तरीके से ध्यान देकर उसका निराकरण क्यों नहीं किया गया, उन्हें सही तरीके से निराकरण करना चाहिए था। ना तो यूजीसी अभी तक किसी भी नियम को स्पष्ट कर पाई है, अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा अलग अलग समय पर अर्जित की जा रही उपाधियाँ भले ही सत्र एक है लेकिन अलग अलग समय यूनिवर्सिटी की किसी भी तरीके की गलती के कारण लेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी को ही नुकसान हो रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं है। डीपीआई विभाग द्वारा ये कहा गया कि 2 साल की डिग्री और 2 साल की एमए और जिन्होंने 1 साल की डिग्री की है, 1 साल की बीएड की है और एमए 2 साल की है, जैसे मान लो 2015 में किसने एमए की है और 2015-16 में उसने बीएड की है तो 15 का क्रेश उनका भी तो हो रहा है और हमारा भी हो रहा है, तो फिर हमें डबल डिग्री में क्यों लिया गया और उनको क्यों नहीं लिया, उनको ऐसा क्यों नहीं कहा गया? और 2016 के पहले ऐसा दो डिग्रियों को एक साथ अर्जित करने का नियम भी नहीं था, मान्य था जब उस समय वो नियम नहीं था, तो अभ्यर्थी उसके अनुसार अगर दो डिग्रियां कर रहा है तो वैसे तो अभ्यर्थी के द्वारा दो डिग्रियां नहीं की गई, अलग अलग समय में की गई है, किसी व्यक्ति विशेष ने की हो तो उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो डबल डिग्री वाले केस हो रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी की वजह से हो रहे हैं, जो बहुत देरी से उच्च शिक्षा विभाग की बहुत ज्यादा गलतियां हैं इसमें, तो इन गलतियों को ध्यान दिया जाए और जब उस समय नियम स्पष्ट नहीं थे और उन नियमों के स्पष्टीकरण ना होने के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा जो उपाधियां अर्जित की गई उन उपाधियों को मान्य किया जाए, यहां पर यूजीसी के द्वारा जो आदेश जिस समय जैसे लागू हुए उसके अनुसार इन्हें अपनाना चाहिए। जब से यूजीसी ने कहा है कि आप दो उपाधियों को मान्य नहीं करेंगे, उस डेट के बाद वाली दो उपाधियों को ना मान्य करें, एक साथ जो दो उपाधियां अर्जित की उन्हें मान्य ना करें, तो वो सही है, लेकिन उसके पहले जब नियम नहीं था ऐसा कि आप दो डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कुछ लोगों को ले भी दिया गया, कुछ विद्यार्थियों को ले भी लिया गया है और उसके बाद पहले जो भर्तियां हुई उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दो डिग्रियों को मान्य एक साथ मान्य ना किया गया, पहले सब हर बार दो डिग्रियों को मान्य किया गया, यहाँ तक कि अगर किसी विद्यार्थी के पास किसी अभ्यर्थी के पास अगर बीएड या डीएड की डिग्री नहीं होती थी उसको सरकार के द्वारा करवाया जाता था, सिर्फ एक ही डिग्री मान्य की जाती थी कि अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए मान्य है, बीएड कंपलसरी नहीं हुआ करता था पहले की परीक्षाओं में, सिर्फ ये करा जाता था कि बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर किसी अभ्यर्थी के पास बीएड भी है मास्टर डिग्री भी, यहाँ तक कि मैंने डबल से भी एमए कर ली है, बस उनके द्वारा जो तिथि बताई गई है उस तिथि से 1 साल बाद की है, इनकी लेट लतीफी की वजह से 3 साल तक हम लोग अपने समय को और अपने भविष्य को बर्बाद करते रहे, लेकिन हमारे 1 साल बाद की जो डिग्री है, मतलब एक डिग्री मेरे पास पहले से है एमए की और फिर से नेट की तैयारी की वजह से मैंने डबल डिग्री करने का सोचा,
वो डिग्री भी मैं इनके इनको दर्शा सकता हूँ, लेकिन उसको भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, अभ्यर्थी की बातों को नहीं मानना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी विभाग द्वारा बात सुनने को तैयार नहीं है कोई। लोक शिक्षण संस्थान आए, किस मामले को लेकर आए हैं? आज हम लोक शिक्षण संस्थान आए हैं, हम लोगों का प्रवर्तक चयन सूची में नाम है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सूची में नाम नहीं दिया है। हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट से, इन लोगों ने अन्य सब्जेक्ट का तो 27 से निकाला है, लेकिन हम संस्कृत और 3-4 सब्जेक्ट और है जिनका, लेकिन 14% से निकाला है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने लोग आए आज? हम लोग सभी आए हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश से सभी लोग आए हैं। अगर मान लो हम लोगों का क्या है अब, ना तो आप लोगों ने इसमें रखा है प्रावधिक चयन सूची में है बस नाम, हमारी क्या गलती है इसमें कि जो अब हम कहाँ जाएंगे? संस्कृत में सब्जेक्ट में हम लोगों का नाम आने के बाद भी हम लोगों का फाइनल सूची में नाम क्यों नहीं है? किसी अधिकारी से आपने अभी मिलने के प्रयास किया? अधिकारियों ने किसी ज्ञापन वगैरह किसी दिया? मंत्री विधायक नहीं, किसी ने अभी तक केवल बोला है कि आपका कोर्ट में आवेदन, आपने कोर्ट में हम लोगों का 27% 13% होल्ड किया, लेकिन अन्य सब्जेक्ट का क्यों नहीं किया है? अभी अभी आपको न्यूज मिली होगी कि ये बाकी के जो अलाइड सब्जेक्ट, मतलब जो और सब्जेक्ट वाले हैं, इन लोगों का जिनका होल्ड कर दिया था 14% वालों का, उन लोगों का आपने स्कूल अलॉट कर दिया। फिर हम लोग तो आपने फाइनल सूची में भी नहीं दिया है, आपने फाइनल सूची में नहीं दिया तो फिर हम लोगों का नाम कैसे आएगा? आज हम लोगों को भी स्कूल मिल जाते अगर आप लोग 27% से बनाते। क्या लगता है मैम, यहाँ के अधिकारी लापरवाही पूर्वक? हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से बोलेंगे? शिक्षा मंत्री से बोलिए, आपके हम हमारा भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? आप लोग हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव कर रहे हैं। फिर एक फिजिक्स की लिस्ट आई है लास्ट 75% पे,